हाय माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपको ग्लैम मेकअप करना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है। मॉइस्चराइज़र के बाद मैंने ब्राउन कलर से आईब्रो सेट कर रही हूँ। आईब्रो सेट करने के बाद मैं आई कंसील कर रही हूँ। आई मेकअप करने से पहले आई कंसील करना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि हम जब भी कोई भी आई मेकअप करें तो हमारे पिगमेंट अच्छी तरह उठ कर दिखे। ठीक है, आई मेकअप मैंने कॉफ़ी ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ग्लैम मेकअप है तो स्मोकी लुक अच्छा देगा। कॉफ़ी ब्राउन कलर का मैंने आई मेकअप दे रही हूँ। उसके बाद मैंने जेल लाइनर लगाया है। जेल लाइनर को मैंने ऑल ओवर में लगाया है और उसी को ही स्मच कर दिया है। स्मच वाला मैंने आई मेकअप दिया है इनको। देन रिकोट का प्राइमर लगाया है। रिकोट का प्राइमर लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहता है, मेकअप काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ मैंने एले गर्ल का कंसीलर यूज़ करा है। ऑरेंज और फॉन्ट शेड मिक्स करके मैं कलर करेक्टर कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पिगमेंट है वहाँ मैं ऑरेंज एंड फोन कलर मिक्स करके कंसील कर रही हूँ, ताकि वहाँ उस एरिया में ग्रे ना पड़े। फॉरएवर 52 का लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने किया है लिक्विड फाउंडेशन, ऑल ओवर फेस पे लगा रही हूँ। फ्लैट ब्रश से, फाउंडेशन के फ्लैट ब्रश से मैं लिक्विड फाउंडेशन ऑल ओवर फेस पे लगा रही हूँ। यहाँ मैं लिक्विड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। लिक्विड कंसीलर मेरा टार्ट का है। हाइलाइटर एरिया में मैं लगा रही हूँ लिक्विड कंसीलर। अच्छी तरह उसको लगाना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए। ब्यूटी ब्लेंडर से मैं स्मूथ कर रही हूँ। ऑल ओवर को अनइवन को इवन कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह ब्लेंड करना चाहिए। देन उसके बाद मैंने कंसीलर पैलेट से कंट्यूर करा है। कंट्यूर नोज, चिन, चिन सब कुछ अच्छी तरह हमें कंट्यूर करना चाहिए, फेस को शेप देना चाहिए। फिर मैं लिक्विड ब्लशर लगा रही हूँ। लिक्विड ब्लशर मैंने ब्रश से लगाया है। जहाँ जब ब्लशर की नीड लग रही है मैंने वहाँ ब्लशर लगाया। फिर RCM का पाउडर लगाया है मैंने। ये ट्रांसलेशन पाउडर है, उसको कंट्यूर की शेप में दिया है। देन मैं नीचे का आई मेकअप कर रही हूँ। आई मेकअप मैंने नीचे का किया है ब्राउन से। ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन से मैंने नीचे का आई मेकअप करा है। देन मैंने लैशेज लगाए हैं। लैशेज बस मैंने फॉरएवर सनकिस का हाईलाइटर यूज़ करा है। हाईलाइट एरिया में देखो एकदम ग्लास स्किन लग रही है, आप नोटिस कर रहे हो। देन मैंने लिपस्टिक पहले शेप दी है, आउटलाइन करी है। आउटलाइन के बाद मैं लिपस्टिक फिल करूँगी। यहाँ मैबलिन की मैंने लिपस्टिक यूज़ करी है, न्यूड कलर है ये वाला। अच्छे से डैप कर रही हूँ। देन लास्ट में फिक्सिंग स्प्रे। यहाँ ग्लैम मेकअप रेडी है। बताइए कैसा लगा मेकअप, और सब्सक्राइब करना ना।